how are you all i hope you all are healthy and safe at your places welcome to today's moral science class in today's class we will discuss about our third chapter the name of the chapter is i am happy this chapter is based on the happiness in this world many things can make us happy if we will look out the window there is a sunshine there is a sunlight that also can make us happy and it's a happy day so we should be happy always god has created many things to make us happy but are we happy are you happy so we should be happy always today i will tell you if you are really happy then how you can show your happiness so let us recite a rhyme if you happy and you know it clap your hands if you happy and you know it clap your hands If you happy and you know it and you really want to show it clap your hands Clap your hands If you happy and you know it tap your feet If you happy and you know it tap your feet If you happy and you know it and you really want to show it tap your feet Tap your feet so students this was the rhyme to express how happy you are so students did you enjoy so after the rhyme this is the story time so open page number 17 of your book so let's start story so start knee was at ram थ्स शॉप ही वाज़ वेटिंग टू गेट हिज हेयर कट राम नाथ वाज़ बिजी कटिंग हेयर नीव रामनाथ की शॉप पे था ही वाज़ वेटिंग टू गेट हिज हेयर कट वो हेयर कट करवाने के लिए वेट कर रहा था रामनाथ वो बिजी कटिंग हेयर रामनाथ किसी की कटिंग करने में उसके हेयर्स कट करने में बिजी था नीव वॉन्टेड टू गेट हिज हेयर कट एज़ क्विकली एज़ ही कुड जो नीव था वो अपना हेयर कट जल्दी से जल्दी लेना चाहता था ही वॉज़ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन हिज क्लास वो अपनी क्लास का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर था ही वॉज़ सिलेक्टेड इन द जूनियर स्कूल वो जूनियर स्कूल टीम में फुटबॉल के लिए सिलेक्ट हो गया था ही हैड टू रीच द प्ले ग्राउंड फोर प्रैक्टिस तो उसे प्रैक्टिस के लिए प्ले ग्राउंड में पहुंचना था द डोर ओपन इतनी देर में ही दरवाजा खुलता है सुनितम इन सुनित अंदर आया ही सेट डाउन नेक्स्ट टू नीव वो नीव के साथ बैठ गया सुनित वॉस नीवस क्लास फैलो जो सुनित था वो नीव का क्लास फैलो था हेलो नीव ही सेट उसने कहा हेलो नीव इट इज़ योर टर्न नेक्स्ट तुम्हारी टर्न है अगली आई होप यू कैन गेट अ क्विक हेयर कट वो कहता है कि आई होप तुम जल्दी से हेयर कट ले लोगे आई मदर is very ill मेरी मदर यानी कि मेरी मम्मा वो बहुत बीमार हैं आई मस्ट हरी होम कि मुझे जल्दी से अपने घर पहुंचना है पापा इज अवे पापा कहीं दूर गए हैं शी में नीड मी तो उनको मेरी जरूरत हो सकती है सुनित वॉज वेरी सैड सुनित बहुत ही उदास था जस्ट देन दैन गॉट अप एंड लेफ्ट तभी जो मैन हेयर कट ले रहा था उसने हेयर कट लिया और वहां से चला गया हु इज नेक्स्ट आस्ट रामनाथ तो रामनाथ ने बोला हु इज नेक्स्ट कि अब कौन आने वाला है अभी किसकी बारी है तो बच्चों हमने ये स्टोरी पढ़ी इस स्टोरी में क्या था इस स्टोरी में था कि जो एक नीव नाम का बच्चा है वो रामनाथ की शॉप पर यानी कि बार बार शॉप पर हेयर कट कर हेयर कट लेने के लिए बैठा है तो जो रामनाथ होता है वो बहुत बिजी होता है और उसकी नीव की टर्न आने वाली होती है इतने में क्या होता है कि नीव का ही एक क्लासमेट सुनित वो शॉप में एंटर करता है और उसे बोलता है कि क्या नींव तुम्हारी टर्न आने वाली है क्या तुम जल्दी हेयर कट ले लोगे बिकॉज माई मदर इज सिक मेरी मम्मा बीमार है और मेरे पापा घर पर नहीं है घर से दूर है तो उनको मेरी जरूरत हो सकती है तो इसलिए मुझे घर जल्दी जाना है तो ये बोलकर कर सुनित उदास हो जाता है तो इतने में ही जो हेयर कट ले रहा होता है वो आदमी चला जाता है और जो रामनाथ होता है वो कहता है कि अब कौन आने वाला है अब नेक्स्ट टर्न किसकी है तो यही हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है तो अब हमें ये चीज़ सोचनी है कि क्या नीव ने सुनीत को अपनी टर्न दे दी होगी या फिर नीव ने कहा होगा कि नहीं मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए जाना है तो फर्स्टली मुझे हेयर कट लेना है तो अगर आप नीव की जगह होते तो आप लोग क्या करते बताइए कि क्या अगर आप नीव की जगह होते तो क्या सुनीत को अपनी टर्न दे देते या फिर खुद जाकर उस सीट पर बैठ जाते कि नहीं फर्स्टली मुझे हेयर कट लेना है अगर मैं नीव की जगह होती तो मैं डेफिनेटली सुनित को बोलती कि सुनित तुम्हारी मदर को तुम्हारी जरूरत है तो सबसे पहले हेयर कट तुम ले लो तो इस कहानी का मॉरल क्या हुआ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए कि कोई भी हमसे ज्यादा नीडी हो सकता है किसी को हमसे ज़्यादा जरूरत हो सकती है अगर हमें लगता है कि किसी को हमसे ज़्यादा जरूरत है तो हमें उसकी हेल्प खुद से पहले करनी चाहिए अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो भगवान जी भी हमारी हेल्प करेंगे तो ये था हमारी स्टोरी का मॉरल सो स्टूडेंट्स आफ्टर द स्टोरी नाउ दिस इज अ क्वेश्चन टाइम्स सो ओपन पेज नंबर 18 Students, now नाउ क्वेश्चन टाइम question क्वेश्चन here. Suppose सपोज यू नीव। सपोज कीजिए कि आप नीव थे वट वुड यू हैव सेट कि अगर आप नीव थे तो आपने क्या कहा होगा उस टाइम Tick द करेक्ट आंसर कि अगर आप एज अ नीव वहाँ होते तो आपने उस टाइम उसको क्या आंसर दिया होता सुनित को तो फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ माई टर्न कि ये मेरी टर्न है सेकेंड वन इज गेट योर हेयर कट फर्स्ट आई विल वेट कि सुनित तुम पहले हेयर कट ले लो मैं वेट कर लूंगा तो ये आप लोगों को टिक करना है कि अगर आप नीव होते तो आप किस ऑप्शन पर टिक करते सो नाउ लेट अस रिसाइट माय फ्रेंड्स आर नाइस वी लाइक टू प्ले वी प्ले टुगेदर एवरी डे We laugh and cry and laugh again because you see, we are friends now again. Let's repeat. My friends are nice. We like to play. We play together every day. We laugh and cry. And laugh again because you see, we are friends now. Again, now look here. Time to think. You have to think the answers of these questions and you have to take the right answer. So, first question is How do you? Make फ्रेंड्स हाउ डू यू मेक फ्रेंड्स तुम फ्रेंड्स कैसे बनाते हो सो फर्स्ट ऑप्शन इज बाय exchanging gifts, बाय शेयरिंग थिंग्स तो आपको ये खुद से लिखना है कि आप फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं कि गिफ्ट्स को एक्सचेंज करके या फिर अपनी थिंग्स को शेयर करके तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो द सेकेंड वन इज योर फ्रेंड कुड नॉट कंप्लीट हिज हर होमवर्क ड्यू टू इलनेस वट विल You do? कि आपका या आपकी फ्रेंड है जो कि बीमार होने की वजह से अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो आप लोग क्या करोगे वॉट विल यू डू क्या करोगे आप लोग सो फर्स्ट ऑप्शन इज हेल्प हिम हर इन कंप्लीटिंग हिज हर होमवर्क फर्स्ट ऑप्शन है कि हम उसको उसका होमवर्क कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे सेकंड वन इज आस्क हिम हर टू प्ले विथ यू सेकंड इज़ कि या फिर हम उसे अपने साथ खेलने के लिए कहेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे अगर आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन ठीक लगता है आपको उस पर टिक करना है देन थर्ड वन इज़ डू यू से हेलो टू योर फ्रेंड्स when यू मीट them? क्या जब आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हो तो क्या आप उन्हें हेलो कहते हो तो आपको इस पे टिक करना है कि अगर आप हेलो कहते हो देन यस yes. अगर आप हेलो नहीं कहते हो देन नो no. तो आपके लिए जो भी आंसर ठीक है आप उसके सामने बॉक्स में टिक कर दीजिए इन द फोर्थ वन इज यू हैव ओनली वन चॉकलेट वुड यू लाइक टू शेयर इट विद योर फ्रेंड कि आपके पास ओनली वन चॉकलेट है ओनली एक चॉकलेट है क्या आप उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना पसंद करेंगे क्या आप उसे शेयर करना चाहेंगे अपने फ्रेंड के साथ अगर आपका आंसर यस yes है कि आप शेयर करेंगे तो आप यस yes के आगे टिक कीजिए अगर आपका आंसर है कि नो no, मैं अपनी चॉकलेट किसी के भी साथ शेयर नहीं करूँगा या करूँगी तो आप नो no के आगे टिक कीजिए सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड इज एंड सर्कल द करेक्ट आंसर कि हमें इन सेंटेंसेस में से सही आंसर को सर्कल करना है आई हैव नो फ्रेंड मैनी फ्रेंड्स कि आपके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो आपको जो भी ठीक लगता है अगर आपके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है तो आप नो फ्रेंड को टिक कीजिए सर्कल कीजिए अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो मैनी फ्रेंड्स को सर्कल कीजिए देन नंबर टू इज़ आई प्ले या फाइट विद माई फ्रेंड्स कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करता हूँ या फाइट करता हूँ तो आप जो भी करते हैं आप उसको सर्कल कीजिए क्या करना चाहिए प्ले करना चाहिए या फाइट करना चाहिए तो ऑब्वियस है प्ले करना चाहिए फाइट नहीं करना चाहिए तो हमें प्ले पर सर्कल करना है आई शेयर डू नॉट शेयर माई लंच विथ माई फ्रेंड्स मैं अपना लंच अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता हूँ या नहीं करता हूँ यस शेयर करता हूँ शेयर करना चाहिए ना हमें तो किस पर टिक करेंगे आप किस पर सर्कल करेंगे ऑब्वियस है शेयर पर नेक्स्ट इज आई टॉक टू माई फ्रेंड्स कि मैं अपने फ्रेंड्स से कैसे बात करता हूँ पोलाइटली या रूडली तो आप कैसे बात करते हैं पोलाइटली बात करते हैं या रूडली बात करते हैं तो आप सर्कल कीजिए जैसे आप करते हैं आई एक्सेप्ट डू नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि मैं अपने फ्रेंड से गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ तो जो भी आपको सही लगता है आप उस पर सर्कल कीजिए so तो बच्चों ये था हमारा लेसन थ्री, I am happy. इसमें हमने बहुत ही अच्छी एक राइम की जिससे कि हमने अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस किया और एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी भी पढ़ी तो इससे हमें बहुत ही अच्छा मॉरल और बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली है जिससे कि हमने ये सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए अगर हमें लगता है कि किसी और को हमसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उसको वो चीज़ हमसे पहले दे देनी चाहिए तो अब आप लोग भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे ना तो चलिए अच्छे अच्छे काम कीजिए और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में बाय बाय